ये बताते 30 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनका जो दायां पैर था वो कट चुका था और इनका आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है। डॉक्टर्स ने बताया था कि ये आर्टिफिशियल पैर ऐसे ही रहेगा, मतलब कि ये अपने पैर पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पाते थे, ऐसे चल नहीं पाते थे, ज्यादा समय ये पैर बैठते थे, इतने ज्यादा परेशान थे। मैं पूरी मीटिंग खड़ के अटेंड की। जो ये आए पवन जोसे समय प्रभु ने छुया पास। हालेलुया पासी, ये बहुत ही अद्भुत टेस्टमनी सिस्टर नाम हरविंदर कौर है। ये बताते 30 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इनका जो दायां पैर था वो कट चुका था और इनका आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है पासी जी। ये बताते 30 साल से ऐसे ही चलते थे, इतने परेशान थे, मेडिसिन खाई, कभी भी फर्क नहीं पड़ा। आज ये चर्च में है, जैसे ही आपने प्रार्थना की उस आर्टिफिशियल पैर के साथ ये चल पा रहे हैं, कोई पेन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से इस पैर को चंगा किया है। जीसस, चलो 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 पूरा एक्सप्लेन करके बताना मुझे लास्ट लाइन। पासी, डॉक्टर्स ने बताया था कि ये आर्टिफिशियल पैर ऐसे ही रहेगा, मतलब कि ये अपने पैर पर बिल्कुल भी भार नहीं डाल पाते थे, ऐसे चल नहीं पाते थे, ज्यादा समय ये बहन बैठते थे, इतने ज्यादा परेशान थे, 3 से 4 ये सॉक्सेस डालकर रखते थे उस पैर के ऊपर, इतने परेशान थे। सीधा कह सकते हो ये पैर केवल डाला था, कहते थे बाहर नहीं पा सकते, चल नहीं पाएंगे। हाँ जी, केवल एक शो के रूप में कह सकते हैं। जिस तरह ये कह रहे हैं ना, मैं इस तरह जिस तरह आज खड़े हैं, ये दस रहे इधर खड़े भी नहीं हो पाते। ओ जीसस, कितना टाइम हो गया थानू खड़े होया नु? मैं पूरी मीटिंग खड़ के अटेंड कीती है प्रभु जी। जदों इत्थे आए पवन जोसे समय प्रभु ने छुया पासे जी, उस टाइम तो लगे हुण तक के खड़े। जिस पैर पे डॉक्टर ने बोला कि ये केवल नकली पैर लगता है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, पैर डिस्ट्रॉय, पैर खत्म, नकली पैर लगाया केवल शो के रूप में कि लंगड़ा बंदा ऐसा शो ना हो, और डॉक्टर ने कहा तुम खड़े नहीं हो सकते, इस पे बार नहीं आएगा। आज मीटिंग में आए, बार आया, खड़े आज चल पा रहे। चलो आजो, जीसस पावर, सुपर पावर। यहोवा मेरा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।